जनपद रुद्रप्रयाग के ककोला खाल जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ब्रिटिश शासन द्वारा थोपी गई कुली बेगार प्रथा के विरोध की 103वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर ककोला खाल आंदोलन के नायक गढ़केशरी स्वर्गीय अनुसुया प्रसाद बहुगुणा समेत अन्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही ककोला खाल के ऐतिहासिक आंदोलन को उत्तराखंड के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग की गई। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। ग्रुप में अंग्रेज भी यही चाहते थे कि जिन लोगों ने क्रांति की है उनका नाम आगे इतिहास में न हो, और जो 12 जनवरी 1921 को जो ऐतिहासिक क्रांति इस ककोड़ा खाल की धरती पे हुई है, जिसका उल्लेख अनेक साहित्यिक इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में किया है, जिसमें डॉक्टर शिव सिंह चौहान जी और अनेक पत्र पत्रिकाओं में इसका इतिहास छपा है, तो वो उस समय की अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति थी। जब पूरे उत्तराखंड के भीतर कुली बेगार प्रथा के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था, तो ककोड़ा खाल में जो क्रांति हुई वो पहली बार एक सफल क्रांति के रूप में उसको देखा जाता है। क्योंकि आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि गढ़ केसरी अनुसुया प्रसाद बहुगुणा जी ने सन 1921 में उस समय की जो सबसे बड़ी कुप्रथा थी कुली बेगार प्रथा, उसके खिलाफ इसी स्थान पे आंदोलन किया था और उसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप उस कुप्रथा का इस देश में अंत हुआ। और चमोली जिले के हमारे पूर्ववर्ती जो जिला था चमोली, उसके